केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने हल्द्वानी हिंसा में घायल हुए पुलिस कर्मचारी, पत्रकारों व निगम कर्मियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सभी दोषियों को सख्त सजा मिलेगी और कानून अपना काम कर रहा है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कभी भी हमारे यहाँ ऐसी घटना नहीं घटित हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सौहार्द बिगाड़ा गया है। हम लोग बहुत मिलजुल के यहाँ रहते हैं। मैं तो आज भी सबसे अपील करता हूँ कि जो अपराधी होता है उसकी न कोई जाति होती है न धर्म होता है, इसलिए कहीं पर भी आपसी सौहार्द को हमको बिगाड़ना नहीं है। हम लोगों को मिलजुल के अपना काम करना है। जिन्होंने भी सौहार्द बिगाड़ा है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पथराव किया है, पेट्रोल बम फेंकना कोई अच्छी बात है? कोई ना कोई तो तैयारी थी। जो भी लोग होंगे, कानून अपना काम करता है। कानून सरकारी काम, अमानत में ख्यानत कहीं भी होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई काम करता है तो उसमें रुकावट कभी नहीं डालनी चाहिए। अगर वो सही करता है, वो सही ही करता है। उसके लिए कानून ही फिर बना हुआ है। आप कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? लाठी, गोली, पेट्रोल बम, पथराव, इतनों की पिटाई, किसी का हाथ फ्रैक्चर, किसी का नाक फ्रैक्चर, किसी के सर में उसको निकाल के पत्रकार ने बताया कि नाक से, आंख से, कान से, तीनों जगहों से, मुख से खून बह रहा था और मैं बेहोश हो गया। बताइए, आपने हेलमेट पहन रखा है, पत्रकार काम कर रहे हैं, काम करने पर भी हेलमेट खोल के आप मार रहे हैं, बेहोश हो गए, मरा जान के छोड़ गया। तो ये कोई ना कोई इसको संचालित कर रहा था। संचालित जो कर रहा था वो अपराधी है।